मंत्रियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। दुख की इस कठिन घड़ी में हमारे इन शहीदों के परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आज पूरा देश आपके साथ है, देश की भावनाएं आपके साथ है। चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। भारत सांस्कृतिक रूप से एक शांति प्रिय देश है। हमारा इतिहास शांति का रहा है। भारत का वैचारिक मंत्र ही रहा है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। हमने हर युग में, पूरे संसार में शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित, हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके
इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति 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 है। अब हम इस विषय में आग्रह करूंगा कि